अभी हम लोग नेपाल से अब चल दिए हैं घर के लिए वापस। रास्ते में जो भी अच्छा अच्छा जगह दिखेगा वो आपको भी दिखाएंगे और आपको भी नेपाल घुमाते हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और ये है हमारे होटल वाले भैया, हाय। अब हम लोग चले हैं रिसेप्शन पे, रात भर का जो बिल है खाने पीने का बुक कर देते हैं पहले। तो ये है रिसेप्शन पे भैया, फाइनली अब हम लोग निकल गए हैं होटल से और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर यानी इंडिया की ओर, बिहार। इसी साइड हमारा होटल था, अभी हम लोग इधर जाना है तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे एक बड़ा अच्छा चीज़ यहाँ लग रहा है, मतलब यूनिक लग रहा है देखने में कि जंगल में लगभग बहुत सारे जगहों पे कब्रिस्तान बने हुए हैं, कब्रिस्तान भी कुछ अलग ही बना हुआ है। तो मैं अभी आप लोगों को कब्रिस्तान ज़रूर दिखाऊंगा, पहले रोड क्रॉस कर लें। यहाँ पे फिर भी उस तरीके के कब्रिस्तान नहीं है जैसा मैंने रास्ते में और देखा था, तो वहाँ मैं रुक नहीं पाया किसी कारण से। अभी मैं देख रहा हूँ पूरे जंगल में ये कब्रिस्तान ही बना हुआ है, एकदम जगह जगह पे कब्रिस्तान है। ये है, आगे चलते हैं देखते हैं फिर, रुकिए। शायद यहाँ भी किसी ने आग जलाई थी, उसे बुद्धिस्ट दाह संस्कार स्थल व्यवस्थापन समिति जयचौक मोरंग को अनुरोध। तो फाइनली बुद्धों का ये कब्रिस्तान आपने देख लिया और जंगल में भी हर जगह यही बना हुआ है, तो अब आगे कुछ दिखाते हैं आपको। एकदम बीच जंगल में इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ सिर्फ रोड है बीच में और कुछ नहीं, देख रहे हैं रोड उधर से। अरे यहाँ से निकलना भी जरूरी है यार, बहुत जंगली जानवर यहाँ घूमते हैं। लगता है इधर गाड़ियाँ चलती है, शायद इसीलिए यहाँ पर ये बना हुआ है। और हम लोग बस ऐसे ही घूमने के ख्याल से इस जंगल में घुसे हैं, वरना हम लोग को इधर जाना नहीं है। देखते हैं आगे का नज़ारा क्या रहता है। वाह, इधर भी रास्ता जाता है, क्या नज़ारा है यार सामने से, बहुत ही बवाल नज़ारा है। जब भी कभी आप अगर आओ दमक या इलाम जाओ या बिरटा मोड़ जाओ तो एक बार इस जंगलों में जरूर घूमना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये जंगल, बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को तो घूमने में। बस थोड़ा सा जानवरों से सावधान, हाँ बस जानवरों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब हम लोग इससे अंदर घुसेंगे भी नहीं क्योंकि क्या पता आगे क्या मिल जाए ना मिल जाए, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे हम अपने बचाव कर सके खुद का। तो हम लोग वापस चलेंगे, इधर से ही हम लोग आए हैं तो इधर ही वापस चलेंगे। बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है यह प्रतिमा देखने में भी। प्रथम किरात हांग यलंबर। अरे यार कुछ कुछ नेपाली में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन उतना ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, ये ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा है ये प्रतिमा जो कि प्रथम किरात हांग यलंबर की है। अब पता नहीं ये कोई होंगे नेपाल के, तो हम तो जानते नहीं हैं इनको, बाद में देखेंगे गूगल करके जब हमारा नेट काम कर रहा होगा इंडिया में। अभी तो हमारा नेट भी वर्क नहीं कर रहा है। मैंने कल एक सिम कार्ड ख़रीदा था जाते समय, तो सिम कार्ड में मुझे 200 MB डाटा मिला था प्लस 85 रुपीज़ बैलेंस मिला था, तो मेरे पास तो कोई नेपाली प्रूफ था भी नहीं, फिर भी मुझे सिम मिल गया। यहाँ एक ही प्रूफ होता है नागरिकता, तो नेपाल की नागरिकता नहीं होने की वजह से उन्होंने मुझे सिम कार्ड देने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने बोला कि आपके पास अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और आपका आधार कार्ड है तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपको ज़रूरी है तो मैंने बोला ठीक है मेरे पास दोनों चीज़ है मैं आपको दे देता हूँ, और भी कुछ प्रूफ चाहिए तो ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे फिर उस प्रूफ पे सिम कार्ड दे दिया और देने के बाद करीब वही 10-15 मिनट में ही मेरा सिम कार्ड चालू हो गया। तो उसके बाद मैंने उसी सिम के सहारे अपना नेट भी चलाया और लोगों से बातचीत भी की,
नेट कनेक्ट न रहने की वजह से व्हाट्सएप पे भी कॉल वगैरह नहीं आता है, तो काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है कभी कभी। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प के लिए भी यहाँ नहीं आएगा, खुद ही आपको अपनी हेल्प करनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं किसी और जगह। अभी हम लोग रास्ते से क्रॉस कर रहे थे और एक मंदिर दिखी, सोचे आप लोगों को भी दिखाई देते हैं। मंदिर सब भी जो होते हैं तो वो उनका एक अलग ही लुक है, एक अलग ही बनावट है। चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर यहाँ का। चौलागाई प्रतिष्ठान धार्मिक स्थल, अच्छा विश्व शांति यज्ञशाला कुल मंदिर। तो मैंने आपको यहाँ का एक मंदिर दिखाया जो शिव जी के मंदिर है, और मैंने आते समय ना बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी, तो मैंने सोचा था जाते समय उन सारी जगहों पर मैं रुकूँगा और उन सारे जगहों को आप लोगों को भी दिखाऊँगा, ताकि अगर आप लोग भी देखें हो सकता है कि आप में से भी किसी का मन हो यहाँ घूमने का। यहाँ लाई धन्यवाद भ्रमण गणु भय कोमा, यहाँ लाई धन्यवाद यानी कि यहाँ घूमने आने के लिए आपका धन्यवाद। चौक का नाम मुझे कल नहीं दिखा था, आज दिखा यहाँ धार्मिक चौक, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है धार्मिक चौक। और अब हम लोग देखते हैं इधर, यहाँ पे दो है शायद बौद्ध का, यहाँ कुछ लोकल लोग हैं तो वो लोग देख रहे हैं मुझे कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है। शायद मेरी भाषा भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नेपाली बोली जाती है, कोई कोई ही होता है जो भाषा समझता है, और कोई तो यहाँ पे नेपाली नहीं समझ, हिंदी नहीं समझता है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको अगर यहाँ हिंदी समझने वाला कोई ना मिले तो। यहाँ तो बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता अंदर जाके। मैं इस वक्त हूँ लक्ष्मी मार्ग में खड़ा, जंगल के ठीक एंडिंग पोजीशन पे, विरात राई यायो खवा पेला बाड़ी लक्ष्मी मार्ग। चलिए फिर देखते हैं। वाह कितनी बड़ी प्रतिमा है, दूर से तो लग रही थी छोटी है, नज़दीक आने पे पता चल रहा है कि हाँ भाई प्रतिमा है। चलिए पूछते हैं किसी से, देखते हैं। हाय आंटी, ये किस चीज की मूर्ति है? राई को। किसका? राई। कौन राई? राई तो कौन राई? अरे राई को यो चन्नी थान हो, चन्नी थान मान्छे बनाको मूर्ति। चन्नी थान राई को फाउ के के चन्नी थान। कोई योद्धा थे क्या यहाँ के? अच्छा, कोई वैरियर थे क्या यहाँ पे लड़ने वाले? तो फिर इनकी यहाँ पे आप हिंदी समझ रहे हो? आफुले बनाको यो चन्नी थान भित्र राईहरुले बनाको। क्या राईहरुले के? आपको हिंदी आती है? हां आउँदैन म त हिंदी बोल्न। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है ना, वो क्या चीज का है तो पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज की वहाँ मूर्ति है वो। मतलब क्या बुद्धि ना है? तो वो क्या है वहाँ पे जो है बना हुआ वो? तो पल्लो जे? हाँ हाँ वो तो पल्लो गुरुंग है बना को। कौन से धर्म के? गुरुंग है को। बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म? हिंदू धर्म है वो। हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म है। अच्छा मुझे लगा बौद्ध धर्म का कुछ है। ठीक है थैंक यू। चलिए इन्होंने बताया कि नहीं वहाँ वो बौद्ध धर्म का कुछ बना हुआ है, मंदिर है धर्मस्थल है वो, और कोई राय है इनके, इन्होंने मुझे बताया कि कोई राय है, फूटी फूटी नेपाली में समझ ही लेता हूँ, इन्होंने बताया किसी राय की ये प्रतिमा बनी हुई है पीछे से। और अब हम लोग चलते हैं इधर, देखते हैं जरा। अच्छा इधर तो गेट ही बंद है, आगे से ही आना पड़ेगा। चलिए आगे से ही आते हैं यहाँ पे वापस। चलते चलते हम लोग पहुँच ही गए नमो बुद्धिस्ट गुम्बा। उन्होंने मुझसे कहा था उस अभी जो महिला से मेरी बात हुई थी कि ये हिंदू धर्म का है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये हिंदू धर्म का है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है नमो बुद्धिस्ट गुम्बा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये चीज। चलिए फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर रास्ता है खुला हुआ तो अंदर चलेंगे। सौजन्य श्री भीम बा गुरुर डांगी हाट भराबारी मोरंग। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग में उतना अच्छा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब मैं भूटान गया था तो उस वक्त मैंने देखा था कि वहाँ भी मंदिरों के नाम वो गुम्बा करके कुछ लिखा रहता है, तो अभी मंदिर है लॉक्ड। ये मुझे अभी जाते जाते रास्ते में लिखा, ये है श्री बूढ़ी गंगा
जमुना मुक्ति घाट, यानी कि ये है शमशान घाट। और ऊपर से इसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था, तो मैंने इसका एक फ़ोटो सोचा कि नीचे जाके लिया जाए। और काफ़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ किसी की लाश चल रही है, इस वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। अभी अंदर में लाश जल रही है तो जाना अच्छा नहीं लग रहा है हमको, खासकर कैमरा ऑन करके। ऐसे ही हम लोग अब हम बाहर से ही आपको अंदर का दिखा रहे हैं, शायद दिख रही होगी आपको कि वहाँ लाश जल रही है। तो अंदर में जल रही थी लाश, तो अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो हमको वापस निकलना पड़ा वहाँ से। और अच्छा नहीं लगता है यार किसी की लाश जल रही हो और वहाँ कैमरा ऑन करके रखा जाए। काफ़ी गर्मी है और इस धूप में लगभग इंडियन टाइम से 2 बज रहे हैं, 2 बजे दिन में हमें अभी यहाँ पे आया हुआ, भूख लग रही है। ऊपर से सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही एकदम भूख लग रही है, भूख और धूप दोनों बहुत एकदम लग रही है। नेपाल में क्या है ना कि इंडियन फूड आपको कहीं कहीं अच्छा सा मिलता है, वरना कहने के लिए हर जगह इंडियन फूड है, लेकिन कहीं भी अच्छा सा इंडियन फूड नहीं मिलेगा। पता नहीं ये क्या है, ये तो मैं पहली बार देखा हूँ तो मुझे पता भी नहीं, और कुछ सामने कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ भी नहीं था, तो इस वजह से तो और भी नहीं पता है। चलते हैं अब अपने घर की ओर, भूख लगी हुई तो सबसे पहले कुछ खाया जाएगा। अब पता नहीं यहाँ क्या मिलने वाला है खाने के लिए, चाउमीन मोमोज खा के और चाव चाव खा के दिन काटना पड़ जा रहा है। चलिए चलते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं एक होटल, यहाँ पे अभी हम लोग कुछ फास्ट फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं। इधर फास्ट फूड का ये लगा हुआ है और इधर है खाने का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया और हमारा व्लॉग अब यहीं इंडिया में ख़त्म हो रहा है। 2 दिनों की जर्नी पर थे और नेपाल से अभी इंडिया आ गए। बिहार में हम लोग फॉरबिसगंज आए हैं जोगबनी बॉर्डर क्रॉस करते हुए, तो अभी फॉरबिसगंज मार्केट से थोड़ा पीछे हैं और अब हम लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे। यहाँ से भी हमारा घर लगभग अराउंड 70 किलोमीटर कम से कम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हो। और भैया हम लोग क्या है ना कि अभी नए नए व्लॉगर हैं तो व्लॉग करना भी उतने अच्छे से नहीं आता है, तो जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी उन सब के लिए भी सॉरी। तो भैया प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए